कंक्रीट ऐसा कैसे ढले जो सालों साल ढाल बन के रहे। मजबूत नींव, कॉलम, बीम और खासकर छत, इसकी सही ढलाई के लिए कुछ लोग तो पूजा करते हैं। आप क्या सही करें कि सर के ऊपर की छत सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे ना रहे। मजबूत घर के मजबूत आधार, अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी के साथ। मजबूत कंक्रीट की ढलाई सही फॉर्मवर्क और मजबूत सपोर्ट यानी प्रॉप्स से शुरू होती है। प्रॉप्स को सख्त जमीन पर टिकाएं और एक दूसरे से बांध कर रखें। कंक्रीट फॉर्मवर्क से चिपके नहीं, इसके लिए शटरिंग ऑयल लगाएं और फॉर्मवर्क की झिर्रियों को मास्किंग टेप से सील करें ताकि सीमेंट की स्लरी ना बहे। कवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना ना भूलें। ये सरिये की जाली को सही से नीचे से कवर करने में मदद करता है ताकि सरिया कभी बाहर न दिखे और जंग आपकी बीम या छत को कमजोर ना करे। चलिए, तैयारी तो सही हुई, पर उस दिन क्या करना है जिस दिन स्लैब को ढालना है? कुछ खास चीजों पे नजर रखना जरूरी है, जैसे घड़ी की सुई पर। टाइमिंग इस दिन बहुत अहम है क्योंकि स्लैब एक बार में पड़ना चाहिए। स्लैब में जोड़ मतलब स्लैब कमजोर। कंक्रीट मिक्स बनते ही कम से कम समय में नींव, बीम, कॉलम या छत पर पड़ जाना चाहिए। जितनी देर होगी उतना कंक्रीट कम अच्छे से फैलेगा और दरार पैदा करेगा। कंक्रीट बराबर से फैले, इसके लिए आवश्यक है कि कंक्रीट को कमर की ऊंचाई से डाला जाए, ज्यादा से ज्यादा 3 फुट की ऊंचाई से। ज्यादा ऊंचाई से गिट्टी और सीमेंट अलग हो सकती है और स्लैब कम मजबूत। नीडल वाइब्रेटर कंक्रीट को सही से घना बनाने का काम करता है। इसके वाइब्रेशन से कंक्रीट मिक्स हिलता है ताकि हवा के बुलबुले अंदर न रह जाएं और कंक्रीट में गैप न बन पाए। आखिर में स्लैब की लेवलिंग और ढलान को सही करना जरूरी है क्योंकि छत पर अगर पानी इकट्ठा हुआ तो लीकेज और सीपेज हो सकती है। सही फॉर्मवर्क, सपोर्ट और कवर ब्लॉक्स का इस्तेमाल, सही समय के अंदर कॉन्क्रीट डालना, सही ऊंचाई से, सही तरह से नीडल वाइब्रेटर से कंक्रीट घना बनाना और सही लेवलिंग और स्लोप। ख्याल रखेंगे तो कंक्रीट ढाल जैसा ढलेगा। ये है अंबुजा सर्टिफाइड टेक्नोलॉजी। इसके सहयोग से अपने घर की मजबूती को दे मजबूत आधार, क्योंकि ये सजावट की नहीं आपके घर की बनावट की बात है और घर बार बार नहीं बनता है। मजबूत घर बनाने की सही सलाह के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।